नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राजनीति में अपराध का चोली दामन का रिश्ता है और राजनीति में अपराध जम कर चलता है। पहले होता यह था कि राजनीतिक आशीर्वाद से अपराधी फलते फूलते थे, लेकिन फिर बाद में अपराधी ने ही राजनीति को अपना लिया और आज राजनीति में अपराध का बोलबाला है। ऐसे में मोहम्मदाबाद के विधायक की हत्या हो गई। मामला यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से विधायक कृष्णानंद राय का है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में शामिल पूर्वांचल के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी समेत 5 लोग नामजद हुए थे। इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और इसकी सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी। आज उसी सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी समेत सभी 5 आरोपियों को बरी कर दिया। इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए मुख्तार अंसारी समेत अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, राकेश पांडे, रामू मल्ला, मंसूर अंसारी और मुन्ना बजरंगी शामिल थे। यहाँ पर एक और बात बता दें कि इसमें से एक आरोपी मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में मौत हो चुकी है। यहाँ पर इस केस से बाबत कुछ बात बताते चले कि 29 नवंबर 2005 को करीमुद्दीनपुर थाना इलाके के गोडौर गांव निवासी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे बसनिया चट्टी पर उनके काफिले को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। AK-47 से गोलियों की बौछार कर विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बदमाशों ने राय की हत्या करने में 500 से अधिक गोलियों का प्रयोग किया था और हत्या के बाद बड़े आराम से अपराधी अपने मौके से फरार हो गए। हत्या को अंजाम देने के लिए मुख्तार अंसारी ने बाहरी शूटरों को हायर किया था, जिनमें मुन्ना बजरंगी का नाम उछला था। काफी बवाल होने के बाद प्रशासन ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी और इसकी सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी, जहां पर आज सभी आरोपियों को बरी किया गया। पर सवाल यह है कि देश की काबिल एजेंसियां, जो देश के सभी बड़े मामलों को देखती है, अगर वही फेल हो जाए तो क्या कहा जाए। 14 साल चले मामले में सीबीआई विशेष अदालत में आरोपियों के खिलाफ कुछ सबूत नहीं पेश कर सकी है। अब इससे ज्यादा इस एजेंसी पर क्या कहा जाए। सीबीआई को अपनी साख बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही साख गिरती रहेगी और लोगों का विश्वास उठता जाएगा।